पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। देहात विधायक और पूर्व नगर विधायक के दफ्तर पर अपने नेताओं का जन्मदिन भी मनाया गया। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पार्टी दफ्तर के साथ विभिन्न पदाधिकारियों के दफ्तरों पर मनाया गया। चक्कर की मिलक पार्टी दफ्तर पर सपाइयों ने अपने नेता अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 45 पाउंड का केक काटा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजीव सिंगल, महानगर अध्यक्ष हाजी मनु कुरैशी, पूर्व मेयर डॉक्टर एस टी हसन, लखनऊ से आए प्रभारी एमएलसी शशांक यादव, विजयवीर यादव, वाहन सिंह यादव, ऋषि यादव, नाजिम ब्रजपाल, मोहम्मद असलम, कैसर अली कुद्दूसी, पूर्व विधायक समरपाल सिंह के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनकी लंबी उम्र की कामना की गई और दोबारा से मुख्यमंत्री 2022 में चुने जाने की कामना की गई। और जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर जिस प्रकार से लोगों का दिल और भरोसा जीता है, तो मुझे आशा है और विश्वास है कि 2022 में जनता मन बना चुकी है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनकी मैं लंबी उम्र की कामना करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और इसके साथ साथ एक अपील मैं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूँ कि 2019 का चुनाव बहुत जल्द है, हो सकता है कि अगले महीने प्रत्याशी घोषित हो जाएं समाजवादी के, तो अभी से जी जान से जुट जाने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में अपना परचम लहराएगी। इसका सबूत जनता दे चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फूलपुर और गोरखपुर और केराना और नूरपुर से उखाड़ फेंका है, तो मुझे पूरा विश्वास है 2019 में गठबंधन के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत भारी मात्रा में सीटें जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मुझे आशा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।